स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डॉक्टर हॉस्टल पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी को फूड एलर्जी है तो फूड एलर्जी के साथ कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए और क्या क्या सावधानी जो है आपको बरत के चलना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो है जानकारी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब फूड और एलर्जी दोनों जो है अपने आप में बहुत कॉम्बिनेशन जो है ये देखोगे कि बहुत ही बड़ा जो है वो देखने को मिलता है। एलर्जी का जो मेनली संपर्क होता है वो आप देखोगे कुछ इस तरीके से जो है वो आपको एलर्जी देखने को मिलता है। यानी कि एलर्जी का अगर पूरा हम मतलब ही जानते हैं कि एलर्जी आखिर होता क्या है, तो उसके लिए जो है अगर मैं एलर्जी की बात करता हूँ तो देखो एलर्जी क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग से जो है वो चीज़ें आपके बॉडी में आ जाती है या इम्पेक्ट करती है। यह ऐसा होता है कि जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये क्या करता है किसी भी चीज़ को आवश्यकता से ज़्यादा बना देता है, और जब आवश्यकता से ज़्यादा किसी भी चीज़ को जब शरीर बनाता है, इम्यून सिस्टम बनाता है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, तो वो क्या करता है कि उसके लड़ने के साथ साथ वो क्या करता है कि आपको जो है धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। यानी कि अपने ही सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, अपने ही शरीर पे अटैक करना शुरू कर देता है। यानी कि आपका जो डिफेंस सिस्टम था वो था कि बाहर से जो भी चीज़ आएगा उससे लड़ेगा, लेकिन आपके जो इम्यून सिस्टम है जो डिफेंस के लिए एंटीबॉडी बनाता है उसको ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आक्रमण किया है, और उसके चक्कर में क्या करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उसे लड़ने के लिए चीज़ें तैयार कर देता है। और वो क्या करता है बाहर से कोई चीज़ें आए ना आए लेकिन वो आपके बॉडी की जो चीज़ें हैं उनसे लड़ना शुरू कर देता है, और ऐसे में आपके बॉडी के ऊपर जो है कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती है जहाँ की नॉर्मली जो है ये एलर्जी के साइन होते हैं। अब एलर्जी में अगर हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि एलर्जी में क्या होता है, तो एलर्जी में क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई भी चीज़ आपके बॉडी में आया, जैसे किसी भी तरह का जो है फूड ले लो, फूड में भी देखोगे तो मेनली जो बहुत सारे लोगों को देखोगे आपको जो है पीनट एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो मूंगफली से एलर्जी जो है बहुत सारे लोगों को होता है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप इसके संपर्क में आते हो या इस फूड को जब भी खाते हो तो क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल अटैक करता है एकदम से। अब जब बिल्कुल अटैक करेगा एकदम से, तो उसे क्या होगा कि ये चीज़ें जितनी मात्रा में बनाना चाहिए था किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए उससे दुगुनी तीन गुनी चार गुनी मात्रा में बना देता है, और वो चीज़ें उस चीज़ को अटैक ना करके आपके बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब फूड एलर्जी में क्या होता है, फूड एलर्जी में ये सेम चीज़ें होता है जो कि किसी किसी फूड पे क्या होता है कि आपका बॉडी जो है ओवर रिएक्ट कर जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओवर रिएक्ट करने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन को जो है वो फूड एलर्जी बोलते हैं, यानी कि ऐसी बीमारी जो कि किसी फूड के कारण आपके बॉडी क्या करता है उस पर एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाता है, अटैक करना शुरू कर देता है, तो ये चीज़ें क्या है फूड एलर्जी है। अब ये तो बात हो गई फूड एलर्जी की, अगर आपको किसी भी तरह का फूड एलर्जी है तो उसे सावधानी आप किस तरीके से बरतोगे, ये जो है आज का मेन फोकस है। अब सबसे पहले बात करते हैं, तो अगर देखो किसी भी तरह का फूड एलर्जी है तो अगर फूड एलर्जी के साथ लाइफ जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी तो है ही, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का फूड का एलर्जी है तो अगर आप अपने घर में ही रह रहे हो तो एटलीस्ट आपके जो फैमिली फ्रेंड सभी हैं उनको जो है एवरीवन जो है उन चीज़ से फैमिलियर होंगे कि आपको किस चीज़ से जो है वो ज़्यादा एलर्जी है, किस चीज़ को जो है वो आप एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो हो सकता है, यानी कि कौन सा फूड जो है आपके संपर्क में नहीं आना चाहिए, कौन सा फूड जो है वो आपके संपर्क में आना चाहिए, किस खाने को खाने से जो है आपको एलर्जी का जो अटैक है ये आ सकता है, किस फूड को खाने से नहीं आ सकता है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको पता होती है, आपके फैमिली में सबको पता होता है, इस बात को लेके सभी जो है वो फैमिलियर होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं आगे की, आगे की क्या बात है कि जब भी आप कभी ऐसा प्लान करते हो कि आपको जो है किसी ट्रिप पे जाना हो या किसी रेस्टोरेंट में जाना हो या कहीं पे जो है वो प्लानिंग करनी हो कि आप जो है वो किस तरीके से आगे की प्लानिंग करते हो, तो वहाँ पे जो है आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको फूड एलर्जी है तो सबसे पहले आप ये काम करोगे कि आप जो है एक प्लान जो है वो आप अपने जो भी तैयार करते हो जाने के लिए उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है अपनी ज़रूरत जो है उसको डिस्कस करो, और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिस्कस करने से ये होगा कि आपको
जहाँ भी जो है आप जा रहे हो, जिस फूड को भी जो है आप अपने पास रख रहे हो, या जिस फूड को भी जो है आप लेने वाले हो, या जिस फूड से आपको किसी भी तरह का एलर्जी हो सकता है, उसके सिम्टम्स को, उस फूड को आप नोट करके रखो। इससे क्या होगा कि कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी आप रिजर्व करोगे, या फिर एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है आप करोगे, तो उससे आपको इस चीज़ का ध्यान रहेगा कि वहाँ पे जो भी चीज़ें आपके खाने में आएंगे वो इनसे रिलेटेड ना हो। अगर इनसे रिलेटेड भी हैं तो वहाँ पे जो है आपको सबसे पहले नोटिफाई किया जाए कि अगर आपको इस टाइप का फूड एलर्जी है तो इस फूड में इसका कोई भी एलिमेंट, कोई भी इंग्रेडिएंट जो होता है, कोई भी कंपोनेंट जो है वो क्या है कि इससे रिलेटेड जो है वो कंपोनेंट है। जैसे बहुत सारे लोगों को पीनट एलर्जी हो सकता है, वीट एलर्जी हो सकता है, अब किसी को जो है वो आप देखोगे जैसे मिर्च की एलर्जी हो सकता है, तो अलग अलग चीज़ों के जो है वो एलर्जी हो सकता है जो कि आपके खाने में, आपके फूड में इंक्लूडेड हो सकते हैं। और ये जो है ऐसा नहीं है कि ये एलर्जी जो है वो ख़तरनाक नहीं होते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी भी जो है वो हो सकते हैं। और साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी जब एलर्जी होता है तो वो एलर्जी क्या कि फ्रिज फूड से तो नहीं हो रहा है, बेक फूड से तो नहीं हो रहा है, या आप किसी भी चीज़ को जो है जब भी किसी किसी को कच्चा खाते हो, कोई ऐसा फूड हो गया जहाँ पे आपको जो है वो कच्चा खाने पड़ रहे हैं, तो उन फूड से ये एलर्जी है या नहीं है, इसका नोट जो है आप अपने पास रखोगे। इसके सिम्टम्स के लिस्ट भी रखोगे कि आप बिना बताए कभी किसी भी तरह का जो है फूड कंज्यूम कर लेते हो, खा लेते हो, तो उसके सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि हाँ आपको इस फूड से इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, दिखाई देते हैं, और उसके रिकॉर्डिंग जो है आप अपना प्रिस्क्रिप्शन जो है उसे फॉलो कर सको, एक उस तरह का जो है मेडिसिन आप यहाँ पे तैयार कर सको। तो ये जो था कि फूड एलर्जी में लाइफ को किस तरह से आप इजी बना सकते हो, अपने ट्रिप को आप किस तरह से इजी बना सकते हो, किस तरह से जो है आप अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, और किस तरह से जो है आप अपने सिम्टम से रिगार्डिंग, अपने फूड से रिगार्डिंग, अपने एलर्जी के हिसाब से अपने फूड को कैटलाइज कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में सीखने को मिल गया होगा। तो होप सो कि इतना वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।